नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एश एंड अभी व्लॉग्स में। ये है लंदन की प्रिंसेस स्ट्रीट, जो कि एक्चुअली लंदन में नहीं बल्कि रामोजी फिल्म सिटी के अंदर है। ये जो आपको घर दिख रहे हैं सारे, ये सारे यूरोपियन हाउसेस से इंस्पायर्ड है। जब भी किसी को यूरोप में सॉन्ग या कुछ सीन्स शूट करने होते हैं तो जाहिर सी बात है वो यहाँ आ जाते थे। जैसे आप ये घर देखेंगे एकदम रियल आपको लगेंगे, जैसे रियल घर है, पर अगर आप थोड़े और गौर से देखें तो आपको रियलाइज होगा कि ये घर पूरे के पूरे खाली है। जितने ये बाहर से देखने में अच्छे लग रहे हैं आपको, अंदर से खाली और बंजर हैं सारे के सारे। हाँ, बैल्कनीज वगैरह हैं, आप वहां पर खड़े होकर अच्छे खासे फोटोज खिंचा सकते हैं, पर अंदर से कुछ भी नहीं है इनके अंदर। और बहुत ही रंग बिरंगा स्ट्रीट है ये। आइसक्रीम कोन बना हुआ है यहाँ पर, वेरी वेल डेकोरेटेड। वैसे ही है, ये बात होनी पड़ेगी। ये देखिए पॉपकॉर्न का स्टॉल भी है। अगर आपको दिखेंगे बहुत सारे जो बैल्कनी से, इनमें बहुत सारे गानों की शूटिंग हुई है। अब आप इस घर को गौर से देखिए। आपने नोटिस किया होगा ये घर इस गाने में, और इसी में नहीं, ये बहुत सारे मूवीज के गाने में और मूवीज के सीन्स में शूट हुआ है, जैसे गोलमाल, ऑल द बेस्ट। ये क्लिप देखिए। आइए चलते हैं और देखते हैं घरों को। और वो सामने जो घर है वो देखिए, वहां ऊपर के एसी के फैन भी लगे हुए हैं, मतलब एकदम रियल बनाया है। वो देखिए फैंस, वहां 6 एसी के फैन लगे हुए हैं, के अंदर से पूरे के पूरे खाली है ये, लेकिन सुंदर बहुत है देखने में, मानना पड़ेगा। अब चलिए आपको दिखाता हूं वो हॉस्पिटल जहां पर मुन्ना भाई MBBS की शूटिंग हुई थी। वो देखिए सामने, और देखिए सामने एम्बुलेंस भी खड़ी है। और ये जो बिल्डिंग है सामने से, ये हॉस्पिटल बना हुआ है, और इसी बिल्डिंग के पीछे एयरपोर्ट बनी हुई है। आइए चलिए देखते हैं। ये देखिए एयरपोर्ट की एंट्री है ये। आइए चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। और ये डोमेस्टिक अराइवल्स का सेक्शन है, मतलब फिलहाल ये बना हुआ है। ये देखिए ये काउंटर्स हैं जहाँ लोग बैठते हैं, ये पैसेंजर्स के लिए सीटिंग एरिया। और अब चलते हैं मेन जो कॉरिडोर होता है एयरपोर्ट जाने के लिए, वहां पर। और ये ऊपर से अगर आप देखोगे तो बाहर से आपको प्लेन की तरह लग रहा है ये, उतना तो एक्यूरेट नहीं लग रहा। आइए अंदर चल के देखते हैं कैसा है। और ये घुसते हैं एरोप्लेन के अंदर। वाह, सीट्स देखिए बिल्कुल एक्चुअल प्लेन की तरह है। और हाल ही में जो मूवी बनी थी रनवे 34, उसकी शूटिंग यहां पर हुई है। नीरजा, उसकी भी शूटिंग यहीं पर हुई है। अब चलते हैं ये हवा महल की सेट की ओर। मुझे तो बिल्कुल भी ये राजस्थान के हवा महल जैसा नहीं लगा, और ये बोल रहे हैं कि ये हवा महल की रेप्लिका है। यहाँ भी काफी सारे मूवीज की शूटिंग हुई है। अगर आप देखेंगे जो स्टेयर्स दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पर ड्रीमम वेकअपम सॉन्ग की शूटिंग हुई थी। और अब आप ये गार्डन देखिए,
उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ उस फाउंटेन की ओर जहां पर क्रिश मूवी की शूटिंग हुई थी। ये क्लिप देखिए। चंद्रमुखी मूवी हैज बीन शॉट हियर, वहां पे शूट किया गया था। एंड हिंदी मूवी सूर्यवंशी, सत्तारास, अय्या मूवीज आल्सो शॉट हियर इन दिस बिल्डिंग। अच्छा, आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया। बासमती चावल, मसूर की दाल और एक देसी घी का डिब्बा तेरे घर भिजवा रहा हूँ। और अब हम आ गए हैं मथुरा जंक्शन पर। वैसे ये असली मथुरा जंक्शन तो नहीं है, आपको पता ही होगा ये एक सेट है। यहाँ पर जो जंक्शन चाहे आप वो बना सकते हैं और यहाँ बहुत बहुत सारी मूवीज की शूटिंग होती है। ये देखिए टिकट काउंटर भी है, एकदम एक्चुअल रेलवे स्टेशन लग रहा है। और ये जो ट्रेन हैं ये चलते नहीं है, बस रुके हुए हैं, खड़े रहते हैं। ये रोहित शेट्टी जी दिख रहे होंगे आपको, चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी यहाँ पर। आपको बीच बीच में मैं कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ तो आप रिलेट कर पाएंगे। ये देखिए काफी हंसी मजाक चल रहा है सेट पर। ये देखिए हर जगह ये क्रोमा ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है ताकि बैकग्राउंड चेंज कर सकें आप। अब देखिए डीडीएलजे का सीन। इससे ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। अपनी ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले लोकेशंस की ओर। तो यहाँ पर ये पूरे नॉर्थ का सेटअप दिखेगा आपको, जैसे ये सामने बुलंद दरवाजा दिख रहा है। और अब ये देखिए ये लेफ्ट में ताजमहल है, यहां पर भी आरआरआर जैसे मूवी की शूटिंग हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये पॉइंट देखिए, ये देखिएगा। और अभी मूवी की क्लिप देखिए, है ना सेम टू सेम। अब चलते हैं कृपालु केव्स के अंदर। तो ये जो कृपालु केव्स हैं ये बुद्धिस्ट रिलीजन से इंस्पायर्ड हैं। अभी हम अंदर चलते हैं और ये जो पूरी केव बनी हुई है ये अजंता और एलोरा केव्स जो कि औरंगाबाद में है उसकी कॉपी की गई है। और ये सब रामोजी फिल्म सिटी के अंदर ही है। देखिए दीवारों पर भी काफी सारे स्टैचूज बने हुए हैं, यहां दिखा रहे हैं कि पत्थर पे शिल्पकारी की जा रही है। और ये देखिए यहां पर जो साधु हैं दलाई लामा जैसे कपड़े पहने ये अपनी साधना में विलीन हैं। काफी अलग सी एक एम्बियंस है यहाँ पर, काफी पीसफुल, एक सेरेनिटी आपको महसूस होगी यहाँ पर। हल्की लाइटिंग की गई है, हल्की हल्की म्यूजिक बज रही है जो कि बहुत सूदिंग, बहुत कामिंग म्यूजिक है। और बीच में ये शेषनाग आ गया जो शायद भालू को खा रहा है और सर घुमा रहा है। और ये देखिए ये है रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस है, खासकर बुद्धिस्ट कल्चर में। थाईलैंड जैसी जगहों पर भी बहुत बड़े बड़े ऐसे स्टैचूज मिलेंगे आपको। बस अब हम चलते हैं वापस अपने विंटेज बस में और घूमते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट एक बर्ड सैंक्चुअरी की ओर। तो एक चीज अच्छी है यहां पर कि फिल्म सेट के अलावा भी काफी कुछ है यहां पे करने के लिए बच्चों और फैमिलीज के लिए। ये देखिए इस बर्ड सैंक्चुअरी में या बर्ड पार्क में बहुत सारे
स्पीशीज हैं बर्ड्स के, अलग अलग, और ये सब ओपन एनवायरनमेंट में है। ये देखिए आराम से खुले घूम रही है ये, और देखिए अंदर वाटरफॉल भी बनाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा एक सुहाना एम्बियंस है अंदर। यहाँ स्वान मस्त पॉन्ड में स्विम कर रहे हैं। ये देखिए काफी सारे वैरायटी हैं स्वान के अंदर, डक्स गूज अलग अलग। और ये देखिए एक गार्डन बना हुआ है बाहर, फाउंटेन्स हैं, मतलब बहुत अच्छा माहौल रहता है घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा जगह है ये। और ये साथ ही साथ एक जापानीज गार्डन बना हुआ है बिल्कुल ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल में। आइए अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए ये जो टिपिकल जापानीज टेंपल्स या जापानीज घरों के आप जो शेप्स देखेंगे, ये सामने वैसा ही है बिल्कुल। और हमेशा आपको हरियाली और पानी मिलेगी साथ में, तो बिल्कुल सेम टू सेम एम्बियंस बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा टूर खत्म होता है और हम सुबह से शाम तक को लिटरली थक चुके हैं। यहाँ इतना कुछ इतना बड़ा है कि हम चल चल के थक चुके हैं, पर एक चीज़ अच्छी यहाँ पर ये है कि हर जगह आपको जगह जगह पर पानी पीने की व्यवस्था है, खाने के लिए बहुत जगह है, बहुत सारे कैफेज है, हर जगह हर वैरायटी के खाने मिलेगा आज तेज, ये बहुत अच्छा है। इवन जो शॉपिंग की चीज़ है यहाँ पर हर जगह बहुत ही आई कैसे इकोनॉमिकल किफ़ायती दामों में है, कुछ भी आपको लूट नहीं रहा है, दाम भी अच्छे हैं, खाने को भी है, पीने को भी है, रेस्टोरेंट वगैरह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। वो आराम से आप सुबह में आइए और शाम तक इंजॉय कीजिए। हाँ एक सलाह दूंगा, ट्राई कीजिएगा सुबह 9 बजे का जो टाइम होता है जो इन्होंने लिखा रहता है अपने पोस्टर पे, तब आए करिए, सुबह 9 बजे आइए और शाम 6:30 तक पूरे रामू जी फिल्म का टूर कीजिए फिल्म के टिकटॉक, एंड देन गो होम विद हैप्पी मेमोरीज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू, बाय बाय।